ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता। तो अब हम डिस्कस करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए कोई केमिकल चेंज होना ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ को आप बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो एक तरह का केमिकल चेंज है। कोई चीज़, कोई सब्सटेंस पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो जहाँ पर भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए किसी सब्सटेंस की, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। तो लेट अस कलेक्ट, तो हमारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम के सैंपल्स हैं। ठीक है, अब इन सैंपल्स को लेके हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसके बेस पे हम देखेंगे कि इनका जो एयर के साथ रिएक्शन है वो कैसा होता है और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब देखो एक्टिविटी 3.9 में कहा गया है, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ठीक है, तो सैंपल लो और उसको एक बर्निंग फ्लेम के ऊपर प्लेस करना है, होल्ड करना है। ठीक है, और एक एक करके सभी मेटल सैंपल्स के साथ ऐसा करना है, उनको फ्लेम के ऊपर रखना है। ठीक है, अब कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड। तो फ्लेम के ऊपर रखने पर जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको कलेक्ट करना है। ओके, देन लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। फिर प्रोडक्ट जो भी बना उसको ठंडा होने दो, मेटल का सरफेस है उसको ठंडा होने दो। एंड अब ये भी देखना आपको कि अलग अलग मेटल्स में कौन सा मेटल सबसे इजीली बर्न होता है और किसको बर्न करने में प्रॉब्लम आती है। फिर डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स में क्या फ्लेम के कलर में कोई चेंज आया था। ठीक है, अगर फ्लेम का कलर चेंज हुआ तो किसके केस में, क्या सोडियम के केस में कलर और मैग्नीशियम के केस में कलर सेम था, अगर डिफरेंट था तो क्या क्या कलर्स थे। तो फ्लेम का कलर भी कैसे मेटल टू मेटल चेंज होता है नहीं होता, दैट वी नीड टू ऑब्जर्व, क्योंकि ये चेंज होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए, अल्कली मेटल्स अगर बात करें, ठीक है, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, तो इनके लिए फ्लेम का डिफरेंट डिफरेंट कलर आता है। देन हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। तो जलाने के बाद मेटल का सरफेस कैसा दिखता है। देन अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। कौन सा मेटल सबसे जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कौन काफ़ी स्लो रिएक्ट करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखनी है कि किसका रिएक्शन स्लो है, किसका फास्ट है, किसके केस में कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, फ्लेम के प्रोडक्ट कैसा बनता है, कोल्ड होने मतलब ठंडा होने के बाद प्रोडक्ट कैसा दिखाई देता है, उसमें कलर को चेंजेस आ रहे हैं। फिर आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल, कि जो एयर के साथ रिएक्शन में प्रोडक्ट बना क्या वो पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर भी सकते हैं। अब इनको जब हम रिएक्शन में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास मेटल था, O2 की प्रेजेंस में इसको बर्न करोगे तो ऑब्वियसली हमारे पास बनेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमने एसिड बेस रिएक्शन, सॉरी एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा था कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटेलिक
oxides are acidic in nature. ठीक है, तो ये तो हो गए दो केसेस कि मेटेलिक बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं. कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ठीक है, जैसे कि Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पर ये एक नया पॉइंट है आपके लिए कि सम मेटल ऑक्साइड्स, सम मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल Al2O3, देन जिंक ऑक्साइड ZnO और भी हैं एट्सेट्रा, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज हमें कैसे पता लगेंगी कि हाँ ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इनके रिएक्शन से. कि Al2O3 को अगर आप एसिड से रिएक्ट कराओ, ठीक है, Al2O3 को 6HCl से रिएक्ट कराएंगे तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट, क्योंकि एसिड और बेस. अब यहाँ पर जो HCl है ये तो एसिड की तरह काम कर रहा है और Al2O3 अब बेस की तरह काम करेगा, तो एसिड प्लस बेस बनेगा सॉल्ट, तो AlCl3 बन गया सॉल्ट प्लस 3H2O. और यही Al2O3 अगर इसको हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो ये खुद एसिड की तरह बिहेव करता है. तो मतलब ज़रूरत पड़ने पे ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है. ठीक है, तो दोबारा अब एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट बनेगा NaAlO2. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको याद करने हैं. ठीक है, NaAlO2 का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O. क्लियर. अब ऐसे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जो दोनों एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ठीक है, तो क्या एग्जांपल याद रखने, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड. देन अब सॉल्युबिलिटी की बात पूछी थी, आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर. तो कुछ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होंगे और कुछ मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल भी होंगे. ठीक है, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, तो Na2O डिसॉल्व करता है, तो Na2O सॉलिड जो है उसको पानी में अगर हम डालेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है. वैसे ही पोटाशियम ऑक्साइड इसको पानी में डालेंगे तो ये भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड देगा, अल्कली बनाएगा. तो ये ऑक्साइड तो सॉल्युबल थे, पर कॉपर के ऑक्साइड की बात करें, जिंक के ऑक्साइड की, तो दे विल नॉट बी सॉल्युबल. तो कुछ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होंगे, कुछ मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होंगे. तो आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि कौन सा ऑक्साइड पानी में क्या प्रोडक्ट बनाता है. देन नेक्स्ट इज कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट. तो कुछ मेटल बहुत फास्ट रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ और कुछ का रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा. ठीक है, तो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन. जैसे पोटाशियम और सोडियम की बात करें तो पोटाशियम और सोडियम दे हैव विगरस रिएक्शन, दे रिएक्ट विगरसली. ठीक है, तो इनको कभी भी ओपन एयर में नहीं रखा जाता क्योंकि ये इमीडिएटली एयर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल. तो इनको कैरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं ताकि इनका एयर के साथ कांटेक्ट ना हो, क्योंकि कांटेक्ट होगा तो बहुत विग्रस रिएक्शन हो जाएगा. जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये मेटल एयर के साथ रिएक्ट करते हैं पर कोई विग्रस रिएक्शन नहीं होता. ठीक है, यहां पर क्या बनता है, अ थिन ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस. अ थिन ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द मेटल सरफेस.
तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से ऑक्साइड तो बनेगा, वो ऑक्साइड सरफेस के ऊपर एक लेयर बना देता है। जैसे कि अगर ये हमारे पास मेटल का सरफेस है तो इसके सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। इस ऑक्साइड की लेयर के बनने से क्या होगा, अब ये मेटल था नीचे, ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ गई, ठीक है, दिस इज ऑक्साइड लेयर। अब इसके ऊपर जो एयर है, एयर का मेटल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खत्म हो गया क्योंकि बीच में ऑक्साइड लेयर आ गई। तो जैसे ही सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बन जाती है, फर्दर मेटल का एयर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता, इसलिए रिएक्शन रुक जाता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा जो मेटल है ये रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट जैसे ही पूरा सरफेस ऑक्साइड की लेयर से कवर हो गया उसके बाद एयर और मेटल आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे और उनके बीच में कोई फर्दर रिएक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि सोडियम पोटेशियम विग्रसली रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड के सरफेस पे थिन ऑक्साइड लेयर बन जाती है जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन रुक जाता है। देन आयरन की बात करें तो आयरन हीट करने पे, एयर पे हीट करने पे बर्न नहीं करता, ओके, पर आयरन अगर आप पाउडर्ड फॉर्म में लोगे या बहुत पतले पतले उसकी फाइलिंग्स लोगे तो वो विग्रसली बर्न करती हैं। अब यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले मैं अपने आयरन नेल ली हुई है, इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पे ये रेड हॉट होगी बट इट डजंट स्टार्ट बर्निंग। सेकंड केस में इट्स लाइक आयरन वूल या आयरन पाउडर, तो ये बहुत विग्रसली बर्न करता है। तो मेटल किस फिजिकल कंडीशन में है, पाउडर फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, उससे भी उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है कि कितना फास्ट या कितना स्लो वो रिएक्ट करेगा। देन कॉपर डजंट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं करता बट द हॉट मेटल, पर कॉपर को अगर आप हीट करोगे एयर की प्रेजेंस में तो हॉट मेटल के सरफेस पे ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, ठीक है। देन सिल्वर और गोल्ड, इनका किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स अलग अलग तरह से एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग। कभी आपने देखा होगा कि आप जो कुकिंग कुकवेयर है घर पे, कुकिंग के लिए यूज करते हैं बर्तन, उन पे लिखा होता है एनोडाइज्ड मेटल या एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कुकवेयर, ठीक है। तो एनोडाइजिंग क्या होता है, तो एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिससे हम एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाते हैं मेटल के ऊपर। तो जैसे कि आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के सरफेस पे उसके ऑक्साइड Al2O3 की लेयर तो वैसे ही बन जाती है, पर अगर उस लेयर को थोड़ा और थिक करना हो, मोटा करना हो, ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि वो Al2O3 बहुत हार्ड होता है। अगर इसकी लेयर थोड़ी मोटी होगी, थोड़ी थिक होगी, तो उसको आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि थिक लेयर पे एसिड का भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पे बेस का भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये काफ़ी सेफ है कुकिंग के लिए या और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए, अगर इसके ऊपर थिक ऑक्साइड लेयर होगी। तो क्या करते हैं एनोडाइजिंग में, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल लिया, आर्टिकल जैसे एल्यूमिनियम की शीट ले सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हो, उसको एनोड बना दिया, ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में। तो जो एनोड है दैट इज यहाँ पर एल्यूमिनियम है, और इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। एंड द ऑक्सीजन गैस, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है एनोड पे। तो एनोड कौन सा था, एनोड एल्यूमिनियम का है, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस जनरेट होती है, तो वो ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके इसके सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बना देगी। तो वो थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड जब बन जाती है दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। तो दिस इज अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, और इस ऑक्साइड लेयर को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की
वाटर बॉटल्स आती हैं, ब्लू ग्रीन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आती हैं, तो वो जो कलर्स हैं वो इस ऑक्साइड लेयर को डाई करने से मिलते हैं, तो उसे काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें बनाई जा सकती हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एनोडाइजिंग. तो आपको ये पूरा पैराग्राफ प्रॉपरली पढ़ना है, नोट डाउन करना है कि क्या करते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि व्हाट इज एनोडाइजिंग. ठीक है, तो दैट पार्ट इज क्लियर. अब नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. तो फर्स्ट यू जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी कि क्या दिया हुआ है, एंड देन इज द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस कि वाटर का रिएक्शन में क्या होता है.